दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैवल ब्लॉगिंग क्या होती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि ट्रैवल ब्लॉगिंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन आपको शायद इसके बारे में ना पता हो कि ट्रैवल ब्लॉगिंग होती क्या है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल ब्लॉगिंग के हर एक तथ्य को बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने उसके बारे में सब कुछ ला सकूँ। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक इस वीडियो को देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको ट्रैवल ब्लॉगिंग के बारे में एटलीस्ट सब कुछ बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्रैवल ब्लॉगिंग होती क्या है। दोस्तों ट्रैवल ब्लॉगिंग वो होती है, मान लीजिए आप हर दिन हर रोज कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, या फिर आपकी जॉब भी ऐसी है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, तो आप जिस भी जगह पर जाएंगे उस जगह पर थोड़ा बहुत तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो चेंज तो होगा ही। वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पहली बार देखेंगे, तो वो जो जो चीज़ आप पहली बार देख रहे हैं वो और भी लोगों को देखना पसंद होगा, जो चीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप उसकी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, आप उसका अनुभव कर सकते हैं कि उस जगह पर आपको कैसा फील हो रहा है, उस जगह पर क्या नया है। ये सारी चीज़ें आप जैसे ही देखेंगे उसकी फ़ोटोज़ खींचेंगे। आपके पास फ़ोटोज़ खींचने के लिए एक अच्छा खासा सा कैमरा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप DSLR कैमरा ही लेंगे तो ही चलेगा। आपके पास अगर अच्छा मोबाइल है उससे भी आप उसकी फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। और उसके बाद शायद आपको ना पता तो मैं आपको बता दूँ कि फ़ोटोज़ भी बिकती हैं। जी हाँ गाइस, फ़ोटोज़ के बहुत ज़्यादा प्राइस होते हैं और फ़ोटोज़ की बोलियाँ तक लगती हैं। अगर आपकी फ़ोटोज़ बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है, तो उनकी बोलियाँ तक लगती हैं। तो आपको अगर आप ऐसा करते हैं और आपके आपको ट्रैवल ब्लॉगिंग के बारे में जानना है तो ऐसा ही करना है। आपको अगर आप घूमते रहते हैं तो आपको फ़ोटोज़ लेनी है और उसको उसके बाद आपको बेचना है, और इस तरह से नहीं बेचना है कि किसी को भी बेच देंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैवल ब्लॉगिंग आप एक खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उस पर आप लोगों को अपने अनुभव को सिखा सकते हैं, ये एक आप प्रोफेशन बना सकते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं यहाँ से पैसे कमाने के। अगर आप सिर्फ घूमते हैं, हो सकता है कि आप अपनी जॉब से ही घूम रहे हैं तो पहली बात तो आपकी इनकम वहीं से ही हो जा रही है, लेकिन और भी कई सारे तरीके हैं जहाँ से कि आप घूम के ही पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आप कभी फेसबुक पर आप जाकर के, या फिर फ्रीलांसर एक होता है वेबसाइट, उस पर जाकर के जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घूमने की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। लोगों को नई नई चीज़ें देखना पसंद है, लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में जानना पसंद है, तो आप उन सभी चीज़ों को जो आपने वहाँ पर अनुभव किया, जो आपने नया देखा, जो आपने पुराना देखा, जैसा भी आपको फील हुआ, वो सारी चीज़ें आप अपने एक आर्टिकल बना करके लिख सकते हैं और उसके बाद आप वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो लोग उसको पढ़ना चालू करेंगे, और जब लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको इनकम होगी। और इतना ही नहीं, और भी एक चीज़ बताता हूँ, जब आप ट्रैवल करेंगे तो बड़ी बड़ी एजेंसी होती हैं, जो जब आप पॉपुलर होने लग जाएंगे अपने वेबसाइट पर तो लोगों को पता चलेगा कि ये ट्रैवल करता है बंदा, तो उनके पास जो भी ट्रैवल की काम करते होंगे वो अपनी जो भी चीज़ होगी आपको स्पॉन्सरशिप देंगे और आपसे कहेंगे कि हमारे बारे में बताइए। सपोज़ कीजिए कोई बस वाला है, वो चाहता है कि लोगों को पता चले कि मैं बस से यहाँ वहाँ लोगों को ले जाता हूँ, तो गाइस वो आपके पास आएगा और वो आपको बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके पास यूनिक बंदे हैं जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट ट्रैवल से रिलेटेड है और जो आपकी वेबसाइट पर आएंगे वो ट्रैवल करना उन्हें भी पसंद होगा। तो बस वाला आपको ही स्पॉन्सरशिप देगा तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। और फिर एक और तरीका जो है फ्रीलांसिंग, वहाँ से आप जब फेसबुक पर भी कभी फ्रीलांसिंग सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवल ब्लॉगिंग के ब्लॉग लिखवाना चाहते हैं लोगों से, तो हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाकर ना सक्सेसफुल हो पाए तो वहाँ पर उनके लिए भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है ट्रैवल ब्लॉगिंग से कमाने का। तो ट्रैवल ब्लॉगिंग से कमाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आप रोज़ विजिटिंग करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, तो आपको उसकी फ़ोटोज़ लेनी है या फिर वहाँ के अनुभव को आपको लिख करके लोगों को बताना है, तो इससे लोग भी आपसे खुश रहेंगे, लोग भी आपकी वेबसाइट पर आएंगे, इससे आपकी एडवर्टाइजिंग से भी अर्निंग होगी, या फिर आप किसी और के लिए ये काम करेंगे तो भी आपकी अर्निंग होगी, और जो स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है उससे भी अर्निंग होगी, और फिर जो आपके जॉब है अगर तो जॉब से जो पैसे आ रहे हैं उससे भी अर्निंग होगी। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इस सिर्फ विजिटिंग करने से ही कमा सकते हैं इस तरीके से। तो ब्लॉगिंग दो तरह की होती है, एक होता है ब्लॉगर BLOGGER और एक होता है ब्लॉगिंग V for van वाला LOGGING ब्लॉगिंग। इन दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। ब्लॉगर वो होता है जो आप खुद ही अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर लिखते हैं, आप जो आर्टिकल लिखते हैं उसे ही ब्लॉगिंग कहते हैं, लेकिन जो BLOGGING वो होता है उसमें उसका मतलब होता है कि आप जा करके नई नई जगह पर जब भी जाते हैं तो वहाँ के आप वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल क्रिएट करके YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, तो उससे भी अर्निंग होती है, वहाँ पर भी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी और लोग ज़्यादा अच्छा देखेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदा अच्छी चीज़ें दिखाता है, तो आपसे जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इस तरह से भी आप कमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग से। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।